क्लास में हम लोग जो है कक्षा 11 विषय गणित और प्रश्नावली 2.2 के विषय में जानेंगे। ठीक, इस प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करने के लिए आपको इतनी सारी चीजों को की जानकारी होनी चाहिए। आइए थोड़ा रिवीजन करते हैं, रिमाइंड करते हैं कि क्या क्या है समुच्चय। समुच्चय जिसे हम मझला ब्रैकेट के अंदर अवयवों को कामा लगा लगा के लिखते हैं, क्लियर। जैसे ए कामा बी कामा सी कामा डी मझला ब्रैकेट वन समुच्चय पे उसके अंतर्गत लिखा जाता है। फिर आता है कार्तीय गुणन। मान लेते हैं ए आपका 1,2 है और बी आपका स्मॉल ए कामा स्मॉल बी, तो कार्तीय गुणन का मतलब हुआ हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर दो अवयव एक छोटे ब्रैकेट में रहेगा, 1,a फिर कामा, तो छोटा ब्रैकेट कार्तीय गुणन पिछले एक्सरसाइज में आप जानते ही कैसे किए थे, 1,a उसके बाद आप लगाएंगे 1,b फिर आप लगाएंगे 2,a और फिर लगाएंगे 2,b, ब्रैकेट बंद करेंगे और मझला ब्रैकेट समुच्चय का भी बंद कर देंगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्तीय गुणन। कोई भी सवाल दिया गया था पिछले एक्सरसाइज में आपने पूरा उसको सॉल्व किया था, है ना। अब एक शब्द आता है उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या है इसको भी जान लीजिए। उपसमुच्चय, ये उपसमुच्चय, अब जैसे मान लो ए है, इसमें दो अवयव हैं 1 और 2, चाहे 1 से समुच्चय बना ले, चाहे 2 को रख के समुच्चय बना ले, चाहे दोनों को रख के समुच्चय बना ले, चाहे खाली रख दे, वो सारी स्थितियां ये कहलाएंगी कि ए का उप समुच्चय। यही हाल कार्तीय गुणन में भी होना चाहिए कि चाहे 1,a से ही एक समुच्चय बना ले, चाहे रिक्त समुच्चय बना ले, चाहे 1,a वाला एक इसका एक समुच्चय बना ले, चाहे इन दोनों का एक समुच्चय बना ले, चाहे यहां से यहां तक तीनों को ले ले, चाहे सभी को ले ले, ये क्या कहलाएगा, किसका, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय कहलाएगा। समझ आया क्या। तीसरा आता है आपका, ये उप समुच्चय हो गया, समझ आया क्या। तीसरी टॉपिक आती है प्रांत। अब प्रांत आपको ढूंढना है कार्तीय गुणन में, और कार्तीय गुणन है एक क्रॉस बी। कार्तीय गुणन क्या है, एक क्रॉस बी। आपको अगर कार्तीय गुणन का कोई ऐसे सेट दिया गया होगा, समुच्चय दिया गया होगा, तो आपको प्रांत उसमें क्या ढूंढना है कि जो पहला वाला लेटर है, पहला उनका अपना समुच्चय बना लीजिए। उनका पहला वाला को अपना समुच्चय बना लीजिए, जैसे 1, रिपीट करना नहीं है समुच्चय में, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होता, तो 1 उसके बाद ये हो गया प्रांत। किसमें से, कार्तीय गुणन में से। ठीक, तीसरा ये कहां से आ गया, ये आपको तो मैं प्रांत के विषय में बता रहा था ना, ये प्रांत। अब परिसर सेकेंड वाला कौन कौन है, रिपीट नहीं कर रहा, कौन है, ए बी, ये हो गया आपका। अब सह प्रांत को समझाने से पहले मैं बताता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक समुच्चय है और समुच्चय में कुछ नंबर है, कोई भी नंबर बता दीजिए, एक ही डिजिट का होना चाहिए, कोई भी चार संख्या, 1, 3, 4 इन्होंने बता दिया, ये मान लेते ए है। बी आपको बताइए कोई भी 6 अंक, कोई भी 6 अंक, अब देखो वो बता रही है आगे का 5, 6, 7, 8 और 9 और 1 अंक,
तीन। हालांकि समुच्चय का रूल है कि छोटी संख्या सबसे पहले लिखे बड़ी संख्या बाद, अब आपने कोई नहीं करना, ठीक। अब मुझे ए क्रॉस बी बनाना है तो बहुत सारे बन जाएंगे, कितने अवयव बनेंगे, चार बुढ़े छः, टोटल अवयव कितने बनेंगे, उस 24 में से मुझे केवल पांच ही उठाने हैं। क्या उठाने, केवल पांच। तो वो जो आर होगा, देखिए वो जो आर होगा वो एक क्रॉस बी में से कुछ अवयव होगा, उसी को हम लोग कहते हैं संबंध। 24 अवयव में से कोई चार अवयव उठाइए, कोई भी चार, एक क्रॉस बी में 24 अवयव हैं, उनमें से कोई भी चार अवयव उठाइए, दो कामा छः एक हो गया, एक कामा पांच तीन कामा सात एक कामा, तो ये जो चार ही मैंने उठाया है ये है संबंध, किसमें से आया है, ए क्रॉस बी के 24 अवयव में से आया। अब मैंने पूछा आप बताइए कि कितने प्रांत हैं, एक दो तीन, तो आप बताएंगे एक दो तीन। मैंने पूछा परिसर कितने हैं, कौन कौन है, तो आप कहेंगे पांच छह सात आठ, बहुत अच्छा, क्योंकि हमको कम से ज्यादा में रखना है, ठीक, ये सब रूल होता है। प्रांत परिसर, सह प्रांत क्या होता है, सह प्रांत आपको ये बताएगा कि जो जो संबंध जिस कार्तीय गुणन से आया है एक राश भी, उस कार्तीय गुणक में जो दूसरा वाला समुच्चय है उसमें कितने अवयव हैं, तो यानी कि पांच छ सात आठ नौ और तीन, यानी तीन पांच छ सात आठ नौ, ये सभी के सभी सह प्रांत हैं। अच्छे समझ लेना, बाद में प्रैक्टिस करते समय देख देख के समझ लेना, ठीक, क्लियर। उसके बाद आता है रोस्टर रूप, ये जो इस तरीके का मैं लिख रहा हूं तो ये रोस्टर रूप है, और कोष्टक रूप क्या होता है, जब मैं हिंदी में लिखता हूँ कुछ संख्यात्मक प्रतीकात्मक चिन्ह और जो है उस शब्दों का प्रयोग करता हूँ तो क्या होता है, कोष्टक रूप होता है ना, क्लियर। ये सारी चीजें एकदम से क्लियर है, संबंध बनाने का अपना एक कॉन्सेप्ट है, वो संबंध हम लोग अपना बना लेंगे। इस चैप्टर में हमको ये तीन चीजें पूछेगा और रोस्टर रूप बनाने के लिए पूछेगा, कर लेंगे। कार्तीय गुणन का एक और कॉन्सेप्ट मैं समझाना चाहता हूं, जो इसको कहते हैं हम लोग इसे तीर आरेख, एक शब्द और है यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या तीर आरेख, क्या होता है तीर आरेख, ये भी जान जाइए। मान लीजिए ए और बी, यही ए और बी का क्या है, कार्तीय गुणन भी देखना है, संबंध आर भी देखना है, रिलेशन आर भी देखना है, प्रांत परिसर सह प्रांत भी निकाल लेना है, ठीक। अब तीर आरेख कैसे बनाया, तीर आरेख में एक गोला बनाना है, दूसरा गोला बनाना है, इसको नाम ए देना है समुच्चय, ये समुच्चय बी देना है, डॉट लगाना है ए के कौन कौन से, एक दो तीन और चार, ठीक। लेकिन ये संबंध वाला देना है हमको, किसका देना है, संबंध का, तो चलिए संबंध का हम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले एक दो तीन चार, एक दो तीन और चार, और सम बी कौन कौन हो जाएगा, तीन पांच छ सात आठ और नौ। तो ए क्या है, नहीं भैया यही गलत बात है, ए में जो आर में आया है वो प्रांत है, पूरा ए प्रांत नहीं है, ए का कुछ अवयव जो आर में आया होगा वो प्रांत है, ये बात समझ लेना, नहीं समझ में आ रहा, पूरा ए प्रांत नहीं है, ए का जो हिस्सा संबंध में आया आर में आया,
वो प्राण है। बी का जो अवयव संबंध आर में आया है वो कौन है? परिसर है। बी पूरा का पूरा क्या है? सप्रांत है। क्लियर? तीर आरेख बना, अभी अधूरा है तीर, अब संबंध बनाना है, तो संबंध को मुझे तीर से बनाना है, तो मैं तीर से बनाऊंगा। दो को छह में मिलाइए, ये एक को पांच में मिलाइए, तीन को किस में मिलाइए? सात में मिलाइए, और एक को मिलाइए किस में? आठ में मिलाइए। समझ आया? अब जिस जिस ए में येलो कलर वाला तीर संबंध आर टच हुआ है वो क्या है? प्रांत। और जहां तीर पहुंचा है बी में? परिसर। और पूरा बी? सप्रांत। क्लियर? और रोस्टर रूप जो ये लिखा हुआ है, और कोष्टक रूप आप लोगों को नियम के हिसाब से लिखना है, और तीर आरेख कोई दिक्कत? एक्सरसाइज शुरू करें। कुल मिला के 7-8 सवाल है, खत्म हो जाएगा। हाँ देखें, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, कल से पूरा बढ़िया से आया रहेगा। पहला ए क्या है? एक दो तीन कहां तक? 14 तक है भैया। बी क्या है? अच्छा बी दिया ही नहीं है, है ना? बी दिया ही नहीं, ए से ही हमें ढूंढना है, ए में ही अवयव को आर बनाना है। आर क्या दिया है? आर दिया है ब्रैकेट में एक्स वाई को ऐसा लिखिए, देखिए क्या मैं बोल रहा हूं उसको समझते भी चलिए। एक्स वाई को ऐसा लिखिए कि एक्स के तीन गुना में से वाई को घटाने पर जीरो आता हो। इसको देखिए, एक्स और वाई को ऐसा लिखिए कि एक्स के तीन गुना में से वाई घटाने पर जीरो आता हो। तो आइए एक बार हम पूरा का पूरा संबंध लिख ही डालते हैं, तब क्वेश्चन के आंसर पे पहुंचेंगे। आर क्या हो सकता है? एक का तीन गुना में से y घटाने पर जीरो आए। एक का तीन गुना में से क्या घटाएं कि जीरो आएगा? तो एक का तीन बना कि नहीं बना? नहीं आ रहा। दो के तीन गुना में क्या घटाएं कि जीरो आ जाए? तीन के तीन गुना में क्या घटाएं कि जीरो आ जाए? चार के तीन गुना में क्या घटाएं कि जीरो आ जाए? पांच के तीन गुना में क्या घटाएं कि जो 15 है नहीं है तो ब्रैकेट बंद। 12 क्या 14 में 12 नहीं है? अच्छा आइए इसको थोड़ा सा और आगे भी दिया था, इसमें कह रहा था कि एक्स और वाई जो है वो एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए है, मतलब एक्स और वाई दोनों ही ए के सदस्य हैं, तभी नहीं बना। अब हमसे सवाल क्या पूछ रहा है? बोली पूछ रहा है कि प्रांत बताइए। प्रांत हम लोग जान ही नहीं पाएंगे, एक दो तीन चार, कह रहा है कि परिसर बताइए, कह रहा है हम लोग परिसर जान ही नहीं पाएंगे। परिसर 3, 6, 9, 12 बताओ, सोच रहा है कि हम लोग परिसर जान ही नहीं पाएंगे। कह रहा है सह प्रांत बताइए, कह रहा सह प्रांत बताइए, ये सोच रहा है कि हम लोग सह प्रांत बता ही नहीं पाएंगे। कौन है सह प्रांत? 3, 6, 9, 12 की पूरा का पूरा एक से लेके 14
इसके लिए अगर ना समझ में आ रहा हो तो बना लो तीर आरेख। क्या बना लीजिए? तीर आरेख। इसमें इसमें बताओ, इसमें भी ए रखिएगा, इसमें भी ए रखिएगा, इसमें लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 14 तक, इसमें भी लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कहाँ तक? 14 तक। तब अपना वो तीर लगाओ जो संबंध बताएगा, एक को किससे मिलाइएगा? 3 से। 2 को किससे मिलाइएगा? 6 से। बताओ सहप्रांत कौन है? बोलो, समझ में आया है? कोई दिक्कत? ईमानदारी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट, और जो जो सवाल आने की लगे वो तुरंत देख के बताइए। ऐसा पढ़ाए कौन सा विषय हम नहीं पढ़ा सकते? हो गया? चलिए दूसरा सवाल फटाफट देखिए। दूसरा सवाल देखिए भी क्यों है बुक? एक दे दो उनको भी से। वो चलिए दूसरा सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, आर वाई बराबर एक्स प्लस 5 है, वाई बराबर एक्स प्लस 5 है, एक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स वाई एन में सम्मिलित है, एक संबंध आर स्थापित कीजिए, इसे रोस्टर रूप में प्रांत और परिसर लिखिए। आर क्या होगा? 1, नहीं समझे, एक्स की जगह 1 रखो, वाई क्या आएगा? 2, 3, 4, डॉट डॉट, कोई दिक्कत? चला जाएगा, नेचुरल नंबर है तो बहुत दूर तक जाएगा, कैपिटल है कि नहीं? क्या आज 4 से कम एक्स कहा है? क्या 4 से कम का है? तो पढ़वा ही नहीं किया इसको। ओहो खत्म, कोई दिक्कत? 4 से कम में पता चले 4 का मान 9 भी नहीं आएगा, 4 तक और 4 से कम में अंतर। तो अगर सही सवाल पूछा है तो 4, 9 नहीं आएगा, 3, 8 है। लेकिन क्या पता, किताब कभी कभी कहता कुछ और, उत्तरमाला देता कुछ और है, आप लोग समझते कुछ और है, तो आपके समझने का मेन वो है या आप क्या समझ रहे हैं? जैसे नहीं दिया है भाई, नहीं देगा, 4 से कम कह रहा है तो कहां से देगा? 4, 9 नहीं होगा। अब इसमें क्या बताना है आपको? प्रांत बता दो भैया, प्रांत क्या है? पक्का? परिसर? अरे यार मारे एकदम गर्दा कर दिया। हो गया, नेक्स्ट करेंगे कि नेक्स्ट?
सब मिलेगा पूरा सॉल्यूशन मैटर। उसके लिए अभी तक आप लोग कोर्स में नहीं किया ना, सब मिलेगा। चलिए तीसरा, एक्स और वाई का अंतर क्या होना चाहिए? विषम होना चाहिए। तो R को क्या संबंध लिखना है जी, समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3, R क्या है? X और Y का अंतर विषम हो, देखो क्या क्या हो सकता है। एक को 4 के साथ रखेंगे विषम आएगा, एक को 6 के साथ रखेंगे विषम आएगा अंतर, एक को 9 के साथ रखेंगे विषम आएगा, नहीं रखेंगे। दो को 4 के साथ रखेंगे विषम आएगा, दो को 6 के साथ विषम आएगा, दो को 9 के साथ रखेंगे विषम आएगा, आएगा। अब 3 को 4 के साथ विषम आएगा, 3 को 6 के साथ रखेंगे विषम आएगा, 3 को 9 के साथ रखेंगे विषम आएगा, नहीं आएगा। अब 5 को 4 के साथ रखेंगे विषम आएगा, 5 को 6 के साथ रखेंगे विषम आएगा, 5 को 9 के साथ रखेंगे विषम आएगा, हो गया आंसर। बोलिए कोई दिक्कत? ये तो आज पहला दिन है, कल तो और अच्छी क्लास है। समय जैसे ही आगे बढ़ेगा ना फटाफट चलेगा सब कुछ, टारगेट के हिसाब से हम खत्म करेंगे, ठीक है? देखो देखो कितना है, देख लीजिए, 1 4 1 6 दोनों, 3 4 3 6 5 4 5 6, कोई दिक्कत? कहाँ ब्रेकेट अलग अलग लगा दिया मैंने, कहाँ कौन सा ब्रेकेट मैंने अलग अलग लगा दिया, कहाँ? अब ठीक है, चलिए देखिए इसमें से कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हो या घर पे करना चाहते हो। छठा बताइए, R जो है x कमा x प्लस 5 है, माने 0 के साथ आ जाएगा 5, बोलिए 1 के साथ आ जाएगा, नहीं आएगा, चाहिए नहीं है। छे कहाँ है जो आएगा? अच्छा, यक्स कमा यक्स प्लस वन, तो 0 के साथ 5 आ जाएगा, 1 के साथ 6 आ जाएगा, 2 के साथ 7 आ जाएगा, 3 के साथ 8 आ जाएगा, 4 के साथ 9 आ जाएगा और 5 के साथ 10 आ जाएगा, है ना? तो बताओ प्रांत और परिसर क्या होगा, कर लोगे उसी में से? और नवा, मान लीजिए R Z पर R A कामा B है, A कामा B, A में से B घटाने पर एक पूर्णांक आना चाहिए द्वारा परिभाषित एक संबंध है, R के प्रांत और परिसर क्या होंगे? पूर्णांक मतलब समझ रहे हैं, माइनस तो R के प्रांत क्या होंगे? आर भी क्या होगा? पूर्णांक ही होगा ना, और परिसर भी क्या होगा? कुछ मतलब कुछ में भी कुछ भी घटा दी तो पूर्णांक ही आएगा, हैं? हेलो आंसर पूर्णांक माने जेड आगे, कोई दिक्कत? आज के लिए बस इतना ही, ये पूरा एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट करिए, जो क्वेश्चन ना समझ में आएगा कल पूछेंगे, ठीक?